गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यूपीएससी 101 गाइस। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इन आवर दिस साइंस कैप्सूल लेक्चर नंबर 17। एंड मैं अभिषेक, एज योर एडुकेटर, मेंटर एंड इंस्ट्रक्टर, स्वागत करता हूं आप लोगों का। सो फटाफट एक बार जल्दी से आने की कोशिश करें ताकि हम अपनी कहानी को शुरू कर सकें। और आई वेस आज कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि कभी कभी चीज़ें मतलब इतनी बेवजह परेशान हो जाती हैं। लेट मी चेक आवाज़ एंड ऑल। यस, एवरीथिंग इज फाइन। सो वेरी वार्म गुड इवनिंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट पहुंचिए लेक्चर नंबर 17 से, क्योंकि वो फ्रेंच पेंशन वाली जो क्लास हमने करने की कोशिश की ना गाइज, वो फाइनली नहीं ही हुई, समझ रहे हो? मतलब सीरियसली टेलिंग, आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। मतलब आज दो बार दिन में आप लोग परेशान हुए, तो चलिए आ जाइए एकदम गोली की रफ्तार से और कॉपी लेके, ताकि लेक्चर नंबर 17 साइंस कैप्सूल, जिसमें डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया था, उस चीज़ को आगे लेके हम चल सकें। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू गाइज। कहाँ हूँ आप लोग दिख नहीं रहे हो, देवेशी, दिव्या, निशा, शेयर कीजिए और एक बार जल्दी से आने की कोशिश कीजिए। यस दिव्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, बहुत बहुत गुड इवनिंग। बीनू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। आज कुछ बातें भी करनी है आप लोगों से। राकेश गुड इवनिंग, देवेशी गुड इवनिंग, दिव्या गुड इवनिंग, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शेयर करो एक बार और जल्दी जल्दी पहुंचो पहले, ठीक है? जीके एकेडमी, प्रणाम सर। रोमिला गुड इवनिंग। चलिए तो गाइज आप आते रहो, जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचिए ताकि हम लोग कहानी को शुरू करें, राइट? बिकॉज यस नारायण बाबू, गुड इवनिंग। क्योंकि डिफेंस सिस्टम में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, साइना गुड इवनिंग, कि कल जो कहानियाँ हमारी हुई थी, इसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि भाई इंडियन डिफेंस सिस्टम बेसिकली किस तरीके का, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, मतलब इसका कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर कैसा है। तो तीन लोगों के बारे में हमने बात की थी, एक हमारे आर्मी हो गया, दूसरा नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, और तीसरा नेवी। इसके अंदर, इसके अलावा बेसिकली डिफेंस के नाम पे, रक्षा या सुरक्षा के नाम पे हमारे देश में क्या है। यस मल्टी टैलेंटेड गर्ल, गुड इवनिंग। अलका गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आइए गाइस, राइट? आर्म्ड फोर्सेस के या फिर डिफेंस के नाम पे और हमारे देश में क्या है, मतलब इस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा हमारे देश में रक्षा व्यवस्था के नाम पे क्या है। तो हम बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में क्या अंतर है। पुलिस की भी बातें हुई थी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हम कूदे थे बेसिकली अपने डिफेंस सिस्टम के उस एरिया पर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, कि भाई अब ये जो असला है, असला बारूद, गोला बारूद बेसिकली जिसे आप कहते हो, उसमें जो टेक्नोलॉजी है या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है? यूपीएससी क्वेश्चन उन्हीं मुद्दों पे पूछता है। जागृति गुड इवनिंग। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा चलो बाद में पूछता हूँ, पहले ये देखो, तो यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है गाइज, वो ये पूछेगा, मतलब इनसे हमें बहुत मतलब नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा, दैट क्वेश्चंस विल बी ऑलवेज इन एंड अराउंड द डेवलपमेंट्स एंड द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ द डिफेंस सिस्टम, कि भाई इस डिफेंस सिस्टम में टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, इस डिफेंस सिस्टम में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स या जो R&D वगैरह हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। तो इसीलिए हम कूदे थे मिसाइल्स की दुनिया में, मिसाइल्स की दुनिया से हमारी शुरुआत हुई थी। और मिसाइल की दुनिया में जब हम कूदे थे कल, ठीक है, तो टाइप ऑफ मिसाइल्स की बातें हमने शुरू की थी। और यहाँ पे दो बहुत बेहतरीन बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, दैट व्हाट इज योर क्रूज मिसाइल एंड व्हाट इज योर बैलिस्टिक मिसाइल, इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके की टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है, ये सारी। यस ज्योति गुड इवनिंग, पूर्वी गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाया करो गाइस और थोड़ा अपने एंड से शेयर कर दिया करो ताकि लोग आ सकें, ठीक है? क्योंकि आप आते हो तो मेरा जोश दोगुना होता है, ठीक है? तो बैलिस्टिक मिसाइल, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि कितने लोगों ने किया है, आई डोंट नो, लेकिन मैं कभी टेलीग्राम पे मांगता हूँ ये होमवर्क कुछ लोगों से। देखो आप लोग को टेलीग्राम पे जुड़े रहना है, ठीक है? सर कल की वीडियो कैसी मिलेगी? बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। मल्टी टैलेंटेड गर्ल, व्हाट इज योर नेम, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, कैन आई नो योर नेम, ठीक है? सो उसके बाद होमवर्क में दिया था मैंने कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का आप लोग डिफरेंस लिखना 100 वर्ड्स में। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को कलाम साहब के बारे में बताया था,
कलाम साहब के बारे में बताया था, ठीक है, HW किए हैं सर, वेरी नाइस देवेशी, टेलीग्राम पे बताना मेरे को, सॉरी सर राकेश बाबू, इट्स ओके। तो इसके बाद हम कलाम साहब पे आए थे। कलाम साहब पे क्यों आए थे? बिकॉज IGMDP हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जिसके अंतर्गत हमारे देश में वो सारे बड़े बड़े नाम मिसाइल की दुनिया में जो आप सुनते हो, जस्ट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज IGMDP, जिसमें आप पृथ्वी का नाम, आकाश का नाम, नाग का नाम, त्रिशूल का नाम, और लेटेस्ट ऑन द कार्ड इज अग्नि, जिसका हाइपरसोनिक वर्जन भी इंडिया बना चुका है, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, कैन यू गिव मी माई प्ले लिस्ट? देखो, मल्टी टैलेंटेड गर्ल, जिस चैनल पे तुम हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके प्ले लिस्ट पे खुद चली जाया करो। मतलब प्ले लिस्ट भी मैं ही तुम्हें दूँ, इज इंट इट लाइक अ काइंड ऑफ, ठीक है, एक्स्ट्रा लेबर जो तुम मेरे से करवा रही हो। चैनल पे प्लेलिस्ट है, सारे प्लेलिस्ट है, वहां पे आप चले जाओ, ठीक है, देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है, सारी कहानी होती रहेगी। यार तुम लोग कहाँ हो आज? बहुत कम लोग दिख रहे हो, कोई क्लास व्लास चल रही है क्या? आते ही रहेंगे मुझे लगता है, डेढ़ घंटे तक, आधे घंटे तक। यस प्रवीण, गुड मॉर्निंग। तो IGMDP के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मोबाइल डेवलपमेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जो हम आके रुके थे, और इसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताई थी कि पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, ये सब जो मिसाइल के तुम अलग अलग नाम सुनते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, आज सब्सक्राइब किया है ना, तो आज जाके थोड़ा रिसर्च करना चैनल पे, ठीक है। अब इसके आगे की दुनिया को हम बढ़ाते हैं, आज बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें में, और बहुत टेक्नोलॉजिकली और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जैसे देखो, कुछ नाम आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जैसे पृथ्वी का नाम, ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं, बट कोई बात नहीं। शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब ये पृथ्वी पर से लॉन्च किया जाएगा और पृथ्वी के ही किसी टारगेट को फिर हिट करेगा। इंटरमीडिएट, मतलब ये रेंज से कोई मतलब नहीं है, लंबी दूरी, मध्यम दूरी, ये सब दूरी बिना मतलब का टाइम पास मत करना, ठीक है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अब आपको पता है। शॉर्ट रेंज मतलब कम दूरी का, लो लेवल सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल क्या है? त्रिशूल है। लो इसका अगर लेवल है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपको याद है कि जब हमने क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल देखा था, तो देखा था कि सरफेस से लो रह के उड़ना किसका कैरेक्टर है क्रूज मिसाइल का। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल आकाश, ये रेंज के चक्करों में मत पड़ना, बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करना कि हाँ टाइम कितना रेंज होता है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाग क्या है? दिस इज योर एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, मिसाइल को टैंक को फोड़ेगा। तो कुछ कुल मिला के जितने भी बड़े बड़े आप नाम है ना, ये सब पॉसिबल है हमारे देश में बिकॉज ऑफ दिस IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे आज आपने सेशन में देखा था कि भाई आप हम इंडिया के एयर पावर को देखने वाले हैं, तो एयर पावर में डेफिनेटली हवाई जहाज वगैरह की तो बातें होंगी ही, ड्रोन की बातें भी होंगी, ठीक है। बट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ठीक है, इज ऑल्सो नथिंग बट द पार्ट ऑफ द एयर पावर। सो मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड ऑल को भी हम बेसिकली यहीं पे देखेंगे, जेट इंजन्स, टर्बो जेट इंजन्स, रैम जेट, स्क्रैम जेट, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, ये सब मतलब एयरफोर्स, या फिर आप कह सकते हो कि ये एयर वॉरफेयर का ही तो बेसिकली एक दूसरा नाम है। दैट्स व्हाई इंक्लूडेड दिस पार्ट हेयर इटसेल्फ। यस स्मार्टी पपलू, तुम कहाँ हो भाई? अभी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ठीक है, इतना लेट क्लास में, मतलब। रोहित गुड इवनिंग, तुम्हारा मैंने जब क्लास शुरू किया तो मैंने मैसेज देखा, ठीक है, कि सर जल्दी आ जाइएगा, सुमित सर की क्लास 8:45 है। खुद ही बाबू तुम्हारे वो 8:20 पे मैंने क्लास शुरू कर दिया था, 8:08 पे। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, सुमित सर की 8:45 से कहाँ कोई क्लास है, मैंने तो नहीं देखी। तो सुनिए, अब इसी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। अब इस कहानी को जब हम आगे बढ़ाएंगे गाइज, जैसे यहाँ पे एक नाम आप देख रहे हो, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे रैमजेट, ठीक है। उसके बाद क्रूज मिसाइल सिस्टम पे तो हम आते हैं, ये कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा रैमजेट के बारे में। रैमजेट के बाद में जब आप जानते हो तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स में इंडिया बहुत आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इससे संबंधित कुछ प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, स्क्रैमजेट इंजन्स के बारे में आपको बताऊंगा, मैं पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि भाई जो ये जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी है, ठीक है,
ये जेट इंजन बेसिकली काम कैसे करता है, जैसे आप हवाई जहाज देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हवाई जहाज है, सिंगापुर एयरलाइंस का हवाई जहाज आपके सामने है, ठीक है। तो हवाई जहाज में बेसिकली इंजन कहाँ होता है, हवाई जहाज उड़ता कैसे है, ये सारा सिद्धांत बेसिकली हम यहाँ पे समझने के लिए, वो सब काम हम यहाँ पे नहीं करने वाले, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है, कि आप ये तीनों चीज समझ जाओ, बिकॉज ये हमारी बहुत पर्पस का है, दैट व्हाट इज दिस टर्बोजेट इंजन, व्हाट इज दिस रैम जेट इंजन, व्हाट इज दिस स्क्रैम जेट इंजन, बिकॉज अभी जो ब्रह्मोस है, जो ब्रह्मोस बेसिकली विच इज नथिंग बट अ हाइपरसोनिक वर्जन भी इसका आ चुका है, सो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी बेसिकली रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अंडर दैट कंडीशन रैमजेट और स्क्रैमजेट जैसे चीजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आ गई थी, नेट बना रही थी, अच्छा चलो इट्स ओके, दोनों ध्यान दो। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट क्या होता है, हवाई जहाज में बेसिकली ये सब हवाई जहाज में लगने वाले इंजन से, हवाई जहाज जेट इंजन पे काम करता है। आज के बाद एक बात गांठ बांध के रखना कि भाई हवाई जहाज के इंजन ये हैं, ये हवाई जहाज का इंजन है, बाकी कहीं कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीजें होती हैं, कॉकपिट यहाँ पे होता है, सारा कंट्रोल यहाँ से हो रहा है, लेकिन सारा काम हवाई जहाज का इधर से हो रहा है, ठीक है। और ये टेल भी इंपॉर्टेंट होता है, अब कैसे कैसे क्या चीजें काम कर रही है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोर देन दैट, जैसे आप यहां पे देखो ब्रह्मोस को देखो, ठीक है, ब्रह्मोस को देखो, ब्रह्मोस का ये हेड वाला पार्ट देखना, ठीक है, और ब्रह्मोस का एक टेल वाला पार्ट भी है, ठीक है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल का वर्जन है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कभी भी, ठीक है, सिर्फ जेट इंजन या टर्बोजेट इंजन के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। एग्जाम में सिंपल एक पॉइंट दे देगा आपको कि भाई जो हाइपरसोनिक ब्रह्मोस या हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ठीक है, क्या वो टर्बोजेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, एक स्टेटमेंट बस देगा और आप लोगों की धज्जी उड़ेगी, ठीक है। मतलब जो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, दे कैन नेवर एक्चुअली बी बिल्ट ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ टर्बोजेट मियरली। तो देखो ये सब तो मैं कह रहा हूं, इससे मतलब इससे पहले आपको कि भाई ये टर्बोजेट क्या है, ये रैम जेट क्या है, स्क्रैम जेट क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारी बातें आज जबरदस्त करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ यहीं पे। फिर क्रायोजेनिक इंजन्स, क्रायोजेनिक इंजन्स बेसिकली क्या है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे भी आप लोगों ने बात सुना हो क्रायोजेनिक, कि भाई इंडिया छठा नेशन बन गया था, ठीक है, आफ्टर दिस यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना टू पोजेस अ क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, तो सारी बातें झोंगी आप लोगों को बताऊंगा मैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की दुनिया में इंडिया काफी आगे बढ़ के काम करता हुआ नजर आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो यही सब बातें आज बेसिकली हमारी होने वाली है। सो कॉपी पर उठा के, कॉपी उठा के नोट्स बनाने वाला काम एकदम जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ इन चीजों को शुरू करने से पहले इसके संबंधित कुछ बातें आपको बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये रैमजेट टेक्नोलॉजी भी भूल जाओ, अभी इसको नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। रैमजेट इंजन्स, इंजन्स क्रूज मिसाइल, हाँ ब्रह्मोस, ब्रह्मोस तो आप जानते हो, ब्रह्मोस के बारे में आप जानते हो कि इज नथिंग बट, ठीक है, अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द रशिया एंड इंडिया, बट ये मुद्दा हमारा नहीं है। क्रूज मिसाइल आप जानते हो, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें हाइपरसोनिक का भी मतलब आपको पता है कि इसका जो स्पीड है वो मैच 5 से ज्यादा है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो हैं कभी भी टर्बोजेट टेक्नोलॉजी पे बनी नहीं सकती है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ठीक है। मीडियम रेंज रैम जेट, देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रह्मोस के बारे में, मीडियम रेंज, तो इससे बहुत कुछ नहीं करना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, वो रेंज वेंज के चक्कर में ना पड़ो। रैम जेट, सुपरसोनिक का मतलब तुम्हें पता है, सुपरसोनिक का मतलब बस इतना है कि इसकी स्पीड कहीं ना कहीं मैच 1 से लेके 5 के बीच में होगी, क्योंकि 5 से ऊपर हो जाएगा तो हाइपरसोनिक होगा। तो सुपरसोनिक का मतलब तुम्हें पता है, मिसाइल का मतलब तुम्हें पता है, मीडियम रेंज के मतलब से हमें कोई मतलब है नहीं, रैम जेट का मतलब हमें समझना है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि चाहे मिसाइल सुपरसोनिक हो, चाहे मिसाइल हाइपरसोनिक हो, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में रैम जेट या स्क्रैम जेट का उपयोग करना ही पड़ेगा, रैम जेट या स्क्रैम जेट का उपयोग करना ही पड़ेगा। सो इस कहानी को आगे लेके बढ़ते हैं। हसीना, नीरू, जल्दी जल्दी आ जाया करो, ठीक है। राव साहब, आप लोग यार इस तरीके से ना मैं दुखी हो जाता हूँ मैं, ठीक है, लेट आप लोग, मीडियम
टाइम पे आ जाया करो ना, मैं 5-7 मिनट का टाइम तो मैं ही देता हूँ, और उसमें आप लोग भी ना जिसको 8:25 तक आते ही जा रहे हो, ठीक है। और स्मार्टी पपलू तुम तो कह रही थी कि कल 100 बच्चे को लेके आओगी, क्या हो गया? ठीक है, तो देखो जैसे रेंज की बात मैं क्यों कह रहा था कि भाई मीडियम रेंज वगैरह क्या होता है, देखो ये वर्ड सारे कीवर्ड्स आप लोग लिखते चलना, ठीक है, सारे कीवर्ड्स लिखते चलना, कीवर्ड्स ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखो रेंज 300 किलोमीटर, मीडियम रेंज मतलब यही हो गया, स्पीड 2.8 मैच, 1 से 5 के बीच में अगर स्पीड हुआ तो उसे सुपरसोनिक कहते ही हैं। अब इसका अगला स्टेज हमें पढ़ना है कि भाई सुपरसोनिक है तो इसमें या तो रैमजेट लगेगा या स्क्रैमजेट लगेगा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और जब आप रैमजेट और स्क्रैमजेट पढ़ते हो तो आपको टर्बोजेट का पता होना चाहिए, और जब आप ये तीनों को जानते हो तो आपको क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये चारों हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अदरवाइज आप जितना भी ब्रह्मास ब्रह्मास पढ़ते रहोगे उसमें कुछ कुछ लिखा रहेगा, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, वो सब तो समझ में आएगा, लेकिन रैमजेट स्क्रैमजेट कभी समझ में आएगा नहीं। समझ में आ रही है बताओ? ट्राइंग टू से देखो ब्रह्मास 1 था, ये ब्रह्मास 1 जो है दैट इज बेसिकली योर ये तो इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है ये तो पता है, लेकिन ये सुपरसोनिक है, दिस इज ब्रह्मास। ब्रह्मास का जो सेकेंड वर्जन ब्रह्मास 2 है वो आप जानते हो हाइपरसोनिक है, इट इज अ हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ ब्रह्मास, दैट इज ब्रह्मास 1, ठीक है, विच इज अंडर डेवलपमेंट विथ स्क्रैमजेट इंजन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड रशिया, ये बात तो आपको पता है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्का, ठीक है, ये दोनों नदियां रशिया और इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा ब्रह्मास में एक तो हमारा ब्रह्मपुत्र है, इसमें रशिया के कौन सी नदी की बात की जाती है जो मिलकर ब्रह्मास बनते हैं, जरा मुझे कोई बताएगा क्या? कोई बता सकता है तो बताओ। ठीक है, सुमित सर की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। अरे कौन सी क्लास हो गई है? स्पेशल क्लास है क्या उनकी? क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई क्लास नहीं चल रही उनकी, मुझे नहीं पता, मैंने सेशन में देखा था तो उनकी कोई क्लास नहीं चल रही थी। रशिया एंड इंडिया, ठीक है, मॉस्का रिवर, वेरी नाइस देवेशी, दैट्स व्हाट, लाइक BR इज ब्रह्मपुत्र और मॉस्का, ये दोनों रशिया को, रशिया की नदी है मतलब मॉस्का, तो यहां से मॉस्का और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बन गए? ब्रह्मास। तो ब्रह्मास का जो वर्जन 2 है, ठीक है, करंट अफेयर्स की, अच्छा करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे चल रही है कोई क्लास? ठीक है यार, यूट्यूब पे तो उसकी उनकी कोई क्लास नहीं चलने वाली थी, मैंने देखा था। दस बजे से है भाई, 10 बजे से क्लास है, टेंशन ना लो, क्लास 10 बजे से है। वही मैं कह रहा था, ठीक है, 10 बजे रात को है, तो फालतू का दंगा क्यों फैलाते रहते हो? इतनी काम की बात बता रहा हूं ना, आज तक समझ में आया था ना, आगे कभी समझ में आएगा, लेकिन आते ही तुम लोग प्रवीण और रोहित दंगा फैलाने लगे। 10 बजे की क्लास है, आराम से चुपचाप यहां पे क्लास करो, ठीक है। तो नाउ सी, अब ब्रह्मास 2 जो है ये हाइपरसोनिक वर्जन है और इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है, यही सारी बातें हमें समझनी है। 7 मैच स्पीड है, मैच स्पीड 7, हाइपरसोनिक कहते ही किसे हैं? जब मैच स्पीड बेसिकली, मतलब जब स्पीड बेसिकली मैच 5 से बढ़ जाए, 1 to 5 के बीच में होता है तो सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है तो सबसोनिक कहते हैं, ये सब कल मैं बता चुका हूँ। अच्छा एक शब्द मैं शायद तुम्हें कल बताना भूल गया था, जैसे देखो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, जैसे 0 से 1 के बीच में स्पीड है तो सबसोनिक, 1 to 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक, ठीक है, और 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हाइपरसोनिक। ये 3 बातें, एक और वर्ड लिख लेना आप लोग, ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक भी लिख लेना। अगर स्पीड एकदम मैच वन है मतलब साउंड के बराबर हो जाएगी तब, ठीक है, मैच वन का मतलब क्या हुआ? साउंड की स्पीड के बराबर, ठीक है, साउंड के स्पीड के बराबर, तब उसे कहते हैं ट्रांसोनिक, ठीक है। राकेश ध्यान दो यार, ये नेटवर्क का, तुम्हारे नेटवर्क का इशू मैं कैसे ठीक करूं? इन सब से जूझते रहोगे तो कैसे पढ़ाई वढ़ाई होगी? नेहा गुड इवनिंग, बहुत लेट है सब क्लास में यार, ठीक है। तो ब्रह्मास में, ठीक है, ब्रह्मास बेसिकली सर्विस में इसकी एंट्री 2025 तक होगी, इसका परीक्षण वरीक्षण तो हो रहा है, बट ब्रह्मास 2 का,
लेकिन अब ये क्या है कि 2025 तक ऑफिशियली मतलब इन सर्विस या आर्मी को दिया जाएगा, दैट इज ओके। अच्छा देखो, जैसे कुछ नाम, जैसे कुछ प्रॉपर जो पॉपुलर नाम है, मैं तुम्हें बताऊँ, निर्भया है, निर्भय जानते हो, निर्भया गैंग रेप केस गुड़गांव, उसी के नाम पे। तो निर्भय ये क्या है, लॉन्ग रेंज, इससे परेशान होना नहीं है, ऑल वेदर से भी परेशान होना नहीं है। सबसोनिक का मतलब समझते हो, 0 to 1 मैच स्पीड क्रूज मिसाइल। अब देखो तुम्हें सारे शब्दों का मतलब पता है, कैन बी लॉन्च फ्रॉम द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, इन शब्दों का मतलब पता बहुत होना जरूरी है, बिकॉज वहीं आपके क्वेश्चंस में आपको न्यूक्लियर कैपेबल है, ये रेंज वेंज कोई देखो 0 to 7 मैच के बीच में इसकी दूरी है, लो एल्टीट्यूड पे दौड़ सकता है। तो मतलब ये जो वर्ड्स हैं यही आपके क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जरा इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि भाई मैच जो स्पीड है वो मैच स्पीड 5 से ऊपर है, मतलब स्पीड इज ग्रेटर देन 5 मैच स्पीड से ऊपर इसकी स्पीड है, साउंड के 5 गुना से भी ज्यादा ये ट्रेवल करेगी। साउंड की गति हवा में 330 मीटर प्रति सेकेंड गुने 5, इसका मतलब हो गया 1650 मीटर प्रति सेकेंड से भी ज्यादा इसकी गति होगी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। तो यही पे बात आती है गाइस, ठीक है, कि मैंने एक बात आप लोगों को कही, ये बात यहां पे लिखी हुई है, मैंने एक बात आपको बताया कि मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहे वो सुपरसोनिक हो या फिर हाइपरसोनिक हो, ठीक है, देखो यही हो सकता है ना, 3 तरह का, ट्राई टू डे कंफ्यूज नहीं होना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी 3 ही तरह का तो अभी तक हो सकता है ना, या तो फिर वो सबसोनिक हो सकता है, या फिर ट्रांसोनिक हो सकता है, या फिर वो सुपरसोनिक हो सकता है, या फिर वो हाइपरसोनिक हो सकता है। समझ में आ रही है बात, हॉचपॉच मत करना, ठीक है। ब्रह्मोस की तस्वीर मैंने इसलिए दिखाई थी, इसका मतलब ही नहीं कि सारा मिसाइल मैं तुम्हें दिखा दूं, दैट इज द वेस्ट ऑफ द टाइम। ब्रह्मोस क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन है इंडिया का, हाइपरसोनिक मिसाइल इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द मिसाइल्स। क्रायोजेनिक भी पुराना हो चुका है, सुपरसोनिक भी पुराना हो चुका है, अभी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इसलिए मैंने अग्नि 2 का वेरिएंट आपको दिखाया। तो देखो चार ही हो सकते हैं, या तो सबसोनिक या तो ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक मतलब जब स्पीड साउंड के बराबर हो जाए, मैच स्पीड 1, ये सबसोनिक मतलब 0 to 1 के बीच में, सुपरसोनिक मतलब 1 to 5 के बीच में, और हाइपरसोनिक मतलब 5 से ज्यादा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, अब इसे ध्यान से सुनना, अगर सबसोनिक है या ट्रांसोनिक है तो वो टर्बोजेट इंजन पे काम कर सकता है, वो टर्बोजेट टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। लेकिन जैसे ही मिसाइल आइदर सुपरसोनिक, जैसे ब्रह्मोस 1 या ब्रह्मोस, जैसे ही वो सुपरसोनिक होगा या हाइपरसोनिक होगा, आपको एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, एंड दैट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इज आइदर द रैमजेट या फिर स्क्रैमजेट। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दैट हाइपरसोनिक मिसाइल्स वर्क ऑन द टर्बोजेट टेक्नोलॉजी, ये गलत स्टेटमेंट है, सीधी सी बात। धर्मपाल सिंह, धर्मपाल शर्मा, गुड इवनिंग सर जी, इतना लेट 8:30 में, चलो ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गए हो, कहीं देखो आगे तकलीफ होती है तो बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि अब जो कहानी शुरू हो चुकी है उसकी भूमिका भी बन चुकी है, और वो संबंध जो आगे अब स्थापित होंगे उसमें तुम कितना समझ पाते हो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट ट्राई, ठीक है। प्लीज़ क्लास टाइम पे आओ, तुम लोगों को ये क्लास कराने के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम जिस दिन इमेजिन कर लोगे, डेफिनेटली कोऑपरेट करोगे। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक कैटेगरी में मिसाइल को आना है तो तुम्हें एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज रैमजेट या स्क्रैमजेट। अभी तक एकदम क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। बाबू रोहित, ठीक है, 32 काहे दिखा रहे हो, अभी तक जो क्लासिफिकेशन जो बात मैंने बताई, हाँ वो प्रवीण मैं बता रहा हूँ, रैमजेट स्क्रैमजेट का डिफरेंस सब बता रहा हूँ, पहले बताओ कि अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ो। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन इनेबल्स हाई स्पीड, बहुत बढ़िया बात, ये तो कोई नई बात थोड़ी ना है। अच्छा देखो यहाँ पे एक नया शब्द आ गया गाइस, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन को हम अभी यहीं पे छोड़ते हैं, क्रायोजेनिक इंजन को अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं, अभी हमारा मुद्दा 3 चीजें हैं, आइदर टर्बोजेट या फिर रैमजेट या फिर स्क्रैमजेट।
ध्यान से एकदम नजर गड़ा के सब देखना, ठीक है। हवाई जहाज जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है या टर्बोजेट टेक्नोलॉजी पे मैक्सिमम वो सारे इक्विपमेंट्स काम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो हवाई जहाज हो जो भी हो, ठीक है, जिनका स्पीड जो है या तो सबसोनिक होगा, या तो वो इक्विपमेंट सबसोनिक हो या फिर ट्रांससोनिक हो। तो इसी कैटेगरी में बेसिकली सारे बेसिकली विमान आते हैं। विमान की हैसियत ध्वनि की गति से ज्यादा चलने की नहीं है, चाहे वो रफेल हो चाहे वो कुछ भी हो। तो टर्बोजेट इंजन ही काम करता है हमारे सारे हेलीकॉप्टर से लेके रफेल तक में, चाहे वो किसी भी इक्विपमेंट में सबसोनिक हो या ट्रांससोनिक हो। अब बात है कि भाई ये इंजन होता कहाँ है, ये इंजन क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, जरा समझिएगा इसे। जैसे हवाई जहाज में आप लोग जब भी चढ़ते होंगे तो ये चीज तो आप लोगों ने डेफिनेट देखी होगी। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्बोजेट रैमजेट एंड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली, ठीक है। सरल शब्दों में मैं बताऊंगा, कोई थेसिस और फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चीज सब लोगों ने देखी है। इस चीज को अगर थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाऊं, मतलब पूरा पिक्चर में अगर आपको दिखाऊं, तो ये चीज यहां पे आपको दिख रही है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, कहने का मतलब ये चार इंजन है हवाई जहाज में। हवाई जहाज इसी के आधार पे इसी की कारण काम उड़ता है। अब इसमें बर्नौली थ्योरम कहां पे आता है, क्यों आता है, वो सब आगे की बात है। पहले समझो कि ये इंजन जो है वो काम क्या कर रहा है। यही इंजन जो है, मतलब हवाई जहाज के कुल मिला के चार इंजन हो गए। एक छोटा सा इंजन और होता है पीछे की तरफ टेल में लगा हुआ, उसे ऑक्जिलियरी इंजन या ऑक्जिलियरी पावर यूनिट कहते हैं। उसका काम क्या है वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी हमारा कंसर्न वो सब नहीं है, ठीक है। अभी हमारा कंसर्न है समझना कि ये जो टर्बोजेट इंजन है ये बेसिकली है क्या। और जब हम टर्बोजेट समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रैमजेट भी समझ जाएंगे और स्क्रैमजेट भी समझ जाएंगे। लेकिन अगर टर्बोजेट समझ में नहीं आया तो ना रैमजेट समझ में आएगा ना स्क्रैमजेट समझ में आएगा। चढ़े नहीं है प्रवीण बाबू तो पढ़िए लिखिए कमाइए घूमिए, ठीक है। देखिए पहले ना उसी इसको टर्बाइन इंजन, टर्बो का मतलब आज के बाद आप समझना, टर्बो के बाद मतलब समझना, ये टर्बाइन शब्द है ना इसी से बनता है टर्बो। टर्बाइन क्या होता है, घूमने वाला चक्की, ठीक है। आप देखो होता क्या है, जैसे पहले आप इस पार्ट को देख लो, यही पार्ट, ये पार्ट और यही चीज बेसिकली यहां पे है। अब देखो होता क्या है, ये पंखी है, बहुत बड़ी पंखी, सिंपल सी भाषा में समझना है, ठीक है। ये हवा को शक करती है अंदर की तरफ, हवा यहां पे आप देख रहे हो, ये बहुत महीन वाला पार्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है, इसको लिखा हुआ है हाई प्रेशर कंप्रेशर। यहां पे जो हवा है बहुत ही जबरदस्त दबाव के साथ बहुत तेज ये पंखी घूमती है, मतलब इमेजिन करो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर विमान जैसे नीचे उतरता है ना तो थोड़ी देर तक ये चलता रहता है, ठीक है। इसके सामने मतलब कुछ भी आ जाए तो इसमें घुस सकता है। कभी सुना है कि भाई विमान में चिड़िया घुस गई और विमान क्रैश कर गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। पहले बस समझो कि ये इंजन है क्या। गलती से भी विमान के लैंड होते ही अगर इसके सामने कुछ आ गया ना, लैंड होके रुकने में थोड़ा सा इसे टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे ही बेसिकली मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, उस थोड़े से टाइम में इसके सामने कुछ भी आएगा, अगर कोई आदमी आ गया तो उसका तो अनार का जूस बनना है, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनर्जी नहीं बनाएगी हल्का, सुनो, एयर को रोटेट करके एनर्जी नहीं बनाता, लिसन व्हाट हैपेंस। यहां से हवा शक होता है, सबसे पहले तो टर्बाइन से ही जुड़ा हुआ टर्बो शब्द आता है। टर्बाइन मतलब बहुत घूमने वाली पंखियों को टर्बाइन कहते हैं, ठीक है। हवा को ये शक करके अंदर भेजता है, हवा यहां पे पहुंचता है इस कंप्रेशर जोन में, जहां पे हवा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और वहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, इस वाले हिस्से में क्या होता है कि जो भी एयर हवाई जहाज का ईंधन है, कंबस्टर जिसको कहते हैं या फिर फ्यूल जिसको कहते हैं, हवाई जहाज को जो ईंधन होता है, जो टाइप ऑफ पेट्रोल होता है, ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्रोल, वो यहां पे नोजल के द्वारा छिड़काव होता है। ये जो हवा हाई प्रेशर में यहां पे घुस रहा है, ठीक है, वहां पे ये ईंधन के संपर्क में आता है, ईंधन के संपर्क में आता है और यहां पे स्पार्क प्लग्स लगे होते हैं, जिससे जबरदस्त स्पार्क निकलता है और घनघोर आग लगती है, बहुत तेजों की, समझ रहे हो कितनी जबरदस्त यहां पे आग लगती होगी। आग लगने से क्या होता है कि पीछे जो ये टर्बाइन है, टर्बाइन मतलब बहुत तेज घूमने वाला पंखा, ठीक है,
जो भयानक एनर्जी उस एक्सप्लोजन से निकलता है उससे ये टर्बाइन घूमता है बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, और ये हवा बहुत फास्टली पीछे की तरफ रिलीज होता है और एवरी एक्शन, अब आ जाइए न्यूटन बाबा के सिद्धांत पे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये जो बहुत रफ्तार से इधर हवा निकल रही है इसकी वजह से इस पर आगे की तरफ रिएक्शन लगता है और विमान आगे की तरफ उड़ता है। ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें आपने टर्बाइन का यूज करके हवा को जलाया और हवा से उत्पन्न रिएक्शन फोर्स को यूज करके अपने इक्विपमेंट को आगे भेजा, दैट इज कॉल्ड द टर्बो जेट इंजन का मैकेनिज्म। एक बार ध्यान से देखो और बस इतना, इससे ज्यादा इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि इस बहुत तेज घूमते हुए ब्लेड से, अब इस तस्वीर पे देखो, इस बहुत तेज घूमते हुए, जैसे इसको इस पे देख रहे हो तो ज्यादा फील कर पाओगे, इस बहुत तेज घूमते हुए, ठीक है, टर्बाइन की वजह से यहाँ पे हवा एंटर होता है, वो हवा पीछे जलकर जब बहुत तेजी में निकलता है तो ये हवाई जहाज आगे की तरफ मूव करना शुरू होता है, बहुत झटके में आगे की तरफ मूव करना शुरू होता है। और ऊपर क्यों उठता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जो ये झटका लगा उसकी वजह से विमान हॉरिजॉन्टल मोशन में जाएगा, लेकिन वो ऊपर क्यों उठेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो ऊपर उठता है इस ब्लेड के मैकेनिज्म से, ये जो ब्लेड है ना, ये जो पंखे की डैनी, इसके ऊपर और इसके नीचे हवा की गति में जब परिवर्तन होता है तो प्लेन में आगे की तरफ तो जबरदस्त गति तुमने दे ही दी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, यहां पे ब्लेड के मैकेनिज्म से प्लेन ऊपर भी उठता है और नतीजा है कि हवाई जहाज आगे भी जा रहा है और हवाई जहाज ऊपर भी उठ रहा है। ठीक है सर, प्लेन को क्या बोला, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी एक बार बताओ, यहां तक की कहानी समझ में आई, ये ऊपर क्यों उठता है, वहीं पे बर्नौलीज का थ्योरम लगता है कि देखो ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर की विंड की गति और ब्लेड के नीचे की जब प्लेन आगे बढ़ना शुरू होगा तो इस ब्लेड के ऊपर भी विंड और ब्लेड के नीचे भी विंड बहुत तेजी से मूव करना शुरू करेगा। अगर इस ब्लेड को आपने हल्का सा आय से टिल्ट कर दिया, ऊपर की तरफ उठा दिया, तो ऊपर की गति और नीचे की गति में वेरिएशन होगा। और बर्नौली साहब ने यही कहा था, कि किसी सरफेस के दोनों तरफ अगर वायु की गति में अंतर है तो उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगेगा और वो एक पुश या पुल, ठीक है, रिलीज एक्सपीरियंस करेगा, तो इसी की वजह से विमान ऊपर उठता है। ठीक है, मतलब ये समझ गए, ये टेक्नोलॉजी ही बेसिकली, अभी हवाई जहाज के उड़ने पे बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, हवाई जहाज को यहां पे नहीं उड़ाना है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये टर्बो इंजन टेक्नोलॉजी क्या होती है, हवाई जहाज को कभी और उड़ाएंगे, टर्बो इंजन टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको ये बता रहा हूं। टर्बो इंजन टेक्नोलॉजी आपकी यही है जो इस हवाई जहाज में यहां पे लगा हुआ आप देख रहे हो। बाकी हवाई जहाज घूमता कैसे है, उठता कैसे है, ये जब कभी कोई दूसरा कंटेक्स्ट आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब टर्बो इंजन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये टर्बो इंजन वाला कंसेप्ट हो गया। बिनो तुम कहां रहती हो यार लड़की, मैं बता क्या रहा हूं। और देखो इसका सवाल क्या है सर, जब अफगानिस्तान में तालिबानी आए थे उसी समय अफगानिस्तान के लोग यहां पर बैठे थे क्या? देखिए तो कौन सी दुनिया में जीती हो, अजीब कहानी है, पढ़ा कुछ रहे हैं पूछ कुछ जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो टर्बोजेट इंजन टेक्नोलॉजी यही है, ये वही टेक्नोलॉजी है जो इस हवाई जहाज में बेसिकली आपको यहां पे लगी हुई दिख रही है। मतलब ये हवाई जहाज में मैं पूछूं आपके कि कितने इंजन है बताओ जरा मेरे को, आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, और एक छोटा सा इंजन पीछे होता है उसका कुछ अलग काम होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऑलराइट, अब देखो जब ये टर्बोजेट तुम समझ गए, ठीक है, टर्बोजेट जब समझ गए तो इस डायग्राम पे वापस आओ। ये तो हो गया टर्बोजेट, ये घूमने वाली पंखियां यहां पे है, यहां से हवा अंदर खूब बहुत तेज, ठीक है, पंखी की घूमने से आया, यहां पे कंबशन हुआ और बहुत भयानक धमाके के साथ ये पीछे की तरफ निकला तो इस पर रिएक्शन आगे की तरफ लगा और प्लेन आगे बढ़ा। दिस इज सिंपल टर्बोजेट टेक्नोलॉजी। अब आ जाइए रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखो टर्बोजेट और रैमजेट और स्क्रैमजेट में दो ही अंतर होता है। टर्बोजेट में जो ये आगे वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला सेगमेंट यहां पे जो ये पंखियां दिख रही हैं तुम्हें, दीज आर विंग्स, ये वो ब्लेड्स हैं जो इस
हवाई जहाज, ये वो ब्लेड्स हैं, ये टर्बोजेट टेक्नोलॉजी में ही होता है। रैमजेट या स्क्रैमजेट में ब्लेड्स या घूमने वाली पंखियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो तुम कहोगे कि सर घूमने वाली पंखी नहीं है, तो हवा ये पंखी ही है जो भीतर लेके जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो फिर हवा भीतर जाएगा कैसे? क्योंकि रैमजेट और स्क्रैमजेट में गाइस क्या होता है कि आप देख रहे हो, देखो यहां पे देखो, रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या होता है कि इसमें यहां पे कोई पंखी नहीं है, यहां पे कोई पंखी तुम्हें दिख रही है, यस और नो बताओ। जैसे ये ब्लेड्स, ये जो तस्वीर में दिख रही है ना ऊपर टर्बोजेट वाला, ये पंखियां हैं। तो रैमजेट में और स्क्रैमजेट में तुम्हें कोई पंखी दिख रही है, ब्लेड दिख रहा है? नहीं ना, रिंग्स। रिंग्स मतलब देखो ना, यहां पे देखो, इस चीज को देखो, दीज आर द रिंग्स, ये जो पंखी दिख रही है ना तुम, ये रिंग है, ये हवा को भीतर खींचेगा, अंदर वो कांड होगा जलने वाला, पीछे धमाका होगा और आगे हवाई जहाज बढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट, ये कहानी चल रही है। तो रैमजेट और स्क्रैमजेट में ना तुम्हें वो चीज नहीं दिख रही है, मतलब क्या कहते हैं, यहां पे पंखी नहीं दिख रही है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें बेसिकली हवा प्रवेश कैसे करेगा, कैसे? तो देखो सिंपल सी बात है कि इसमें हवा प्रवेश कर नहीं सकता है, हवा कैसे उतना गति से घुसेगा, ठीक है। इसको जब भी रैमजेट टेक्नोलॉजी या स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो जैसे मान लो ये मिसाइल है, ये एक मिसाइल है, तो अगर इसे रैमजेट टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो इसमें एक रैमजेट इंजन आपको लगाना पड़ेगा, एक रैमजेट इंजन आपको लगाना पड़ेगा और टर्बोजेट इंजन भी लगाना पड़ेगा। टर्बोजेट इंजन पहले ऑन होगा, इस मिसाइल को गति देगा, और गति जब एक पर्याप्त गति मिल जाएगी उसको, तब जाके उस पर्याप्त गति पर रैमजेट इंजन काम करना शुरू करेगा। क्योंकि रैमजेट, हाँ नेहा सलमान, नेहा, रैमजेट द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द एयर इज वर्टिकल। सुनो सुनो, उतना अंग्रेजी नहीं, साधारण सी भाषा में समझो, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो बनने से रहा। रैमजेट टेक्नोलॉजी या फिर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी अगर किसी भी इक्विपमेंट में आपको यूज करना है, तो पहले, ठीक है, आपको टर्बोजेट का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे जो तुम ये ब्रह्मोस तुम देख रहे हो, देखो ये जो ब्रह्मोस तुम देख रहे हो, अगर इसको ब्रह्मोस 2 हम माने, तो यहां पे आपके लगा हुआ है एक स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, और यहां पे पीछे जो ये पार्ट है ना, एक टर्बोजेट इंजन है। टर्बोजेट इंजन की वजह से इसको पहले एक गति मिलेगी, ये ऑन होगा इसको गति मिलेगी, क्योंकि इसमें तो कंप्रेसर होता है, ये हवा खींचेगा फिर उसके बाद चलेगा, गति उत्पन्न होगी इसमें बहुत जबरदस्त वाली, और तब ये आगे उड़ेगा। जब एक निश्चित गति पर ये आ जाएगा, तब ये स्क्रैमजेट इंजन काम करना शुरू करेगा। सो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन में सबसे बड़ी बात कि ये वो इंजन्स होते हैं जो टर्बोजेट के साथ काम करते हैं। बिकॉज रैमजेट और स्क्रैमजेट में यहां पे पंखियां हैं नहीं, यहां पे यू डोंट हैव द पंखी। इसमें हवा एक बहुत खतरनाक गति से प्रवेश करेगा, तभी ये काम करना शुरू करेगा। अब जैसे खतरनाक गति से प्रवेश इसमें किया तो फिर होगा क्या? यहां पे आप देख रहे हो कि ये पार्ट जो है बहुत नैरो है, बहुत जबरदस्त गति से अगर इसमें हवा प्रवेश करती है तो यहां पे इतना संकीर्ण पाथ है, यहां से जो हवा आगे बढ़ेगी वो बहुत कंप्रेस्ड होगा, बहुत ही हाई प्रेशर लिए हुए, मतलब बहुत तेज फ्लो के साथ यहां पे हवा घुसेगी, और वो तेज फ्लो यहां पे फिर जो ईंधन होगा, जो फ्यूल होगा, उसके साथ कंबशन कराया जाएगा, यहां पे कंबशन कराया जाएगा, जिससे कि बहुत भयानक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ये ऊर्जा जब ये भयानक ऊर्जा और भयानक गति वाली हवा दोनों पीछे की तरफ निकलेगी, तो एक बहुत बड़ा प्रोपल्शन फोर्स इधर लगेगा और उसी से मिसाइल एक धुआंधार गति के साथ आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पूर्वी थैंक यू फॉर द ग्रेट सेशन। अच्छा देखिए, अभी सेशन खत्म कहां हुआ लड़की, जाना है तो जाओ तुम, गुड नाइट। अभी सेशन कब, किसने कह दिया खत्म हो गया? ठीक है, तो अब तुम कहोगे कि सर रैमजेट और स्क्रैमजेट में फिर अंतर क्या हो गया? रैमजेट तो स्ट्रक्चर में अंतर होता है। यहां पे देखो, इस पार्ट को देखो, रैमजेट, ये रैमजेट है, और इस एरिया को देखो, ये स्क्रैमजेट है। इसके अलावा इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो,
आपको अंतर समझ में आ जाएगा। कैसे? रैमजेट में क्या है कि यहां जहां कंबशन हो रहा है, जहां पे कंबशन हो रहा है ईंधन का, ठीक है, वो वाला एरिया थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। यहां देखो बिल्कुल ब्रॉडनेस की जगह नहीं, ये वाला पार्ट और ज्यादा नैरो हो चुका है। तो और यहां पे जो ये माउथ है जहां से हवा को अंदर जाना है, ये स्क्रैमजेट के केस में और ज्यादा है एज कंपेयर टू रैमजेट, यहां पे छोटा है। कहने का मतलब क्या है कि स्क्रैमजेट में और ज्यादा हवा इधर घुसेगा और यहां पे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज ये पार्ट यहां पे फिर भी थोड़ा बड़ा है, यहां और छोटा है। तो यहां से जो फाइनली कंबशन या कंबस्टेड गैसेस या फिर जो एयर निकलेगी उसकी गति और ज्यादा भयानक होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द रैमजेट, एज कंपेयर टू द रैमजेट। यहां पे जो गति होगी उस गति से यहां पे और ज्यादा खतरनाक गति होगी। सो दिस इज बेसिकली योर स्क्रैमजेट। और टर्बोजेट क्या है? तो मतलब अगर वेलोसिटी के आधार पे अगर किसी मिसाइल में टर्बोजेट टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी तो भी एक गति उत्पन्न होगी मिसाइल में, वो गति से ज्यादा रैमजेट में होगी और सबसे ज्यादा गति स्क्रैमजेट में होगी। एक मिनट का टाइम लो और सोचो ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, सुनो पहले एक मिनट का टाइम लो और जरा खुद में ये सोचो कि टर्बोजेट से रैमजेट कैसे अलग है और रैमजेट से स्क्रैमजेट कैसे अलग है। ये बात अगर तुमसे किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो विल यू बी इन ए पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन, जस्ट थिंक। रैमजेट और स्क्रैमजेट में सिर्फ स्ट्रक्चर का अंतर है, स्ट्रक्चर का अंतर है जिसकी वजह से बहुत खतरनाक प्रेशर उत्पन्न होता है। ये वाला पार्ट देखना है, ये थोड़ा सा चौड़ा जहां कंबशन हो रहा है वहां पे अच्छा खासा जगह है, यहां जहां कंबशन हो रहा है ना एकदम बिल्कुल जगह नहीं, बेचारा हवा जब इधर से घुसेगा, ठीक है, तो इतनी तो यहां से अगर घुसा वो एकदम नरम मुलायम ट्रेड विंड्स की तरह, तो यहां से वो निकलेगा टोर्नेडो की तरह। समझ में आ रही है बात? एक बार सोच के मुझे बता दो ताकि आगे बढ़ू, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दोगे और फिर हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। हाँ, टर्बाइन नहीं होता रोहित, टर्बाइन मतलब ये पंखियां। टर्बोजेट में आगे भी वो पंखियां ब्लेड्स लगी होती है, पीछे भी वो ब्लेड्स लगी होती हैं। होता क्या है कि जब ये घूमता है, ठीक है, और ये बीच में शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो जब ये घूमता है तो ये पंखी भी घूमती है। इस पंखी को जो यहां पे कंबशन हो रहा है, जो जले हुए गैस और धुआंधार एनर्जी है, और इधर से जो जा रही हवा है उसको बाहर फेंकने का ये काम करती है, उस प्रोसेस में घूमती है और इसके घूमने से ये भी घूमने लगता है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ टर्बाइन है, दोनों तरफ ब्लेड्स है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल क्लियर धर्मपाल, वेरी नाइस। तो अब एक छोटा सा जैम सेशन हम खेल लें क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। जैम सेशन, जस्ट अ मिनट, यस और नो। मोटर लगा हुआ गाना सर, एकदम रोहित कैसे, एकदम बहुत बढ़िया सवाल पूछे हो, एकदम तुम पैदाइशी इंजीनियर हो लगता है। हाँ, मोटर नहीं, एक छोटा सा इंजन और होता है इस, देखो जैसे मैं एक बात बताऊँ, तुम सोचो जरा, आते हैं जैम सेशन खेलते हैं पहले, लेकिन एक बात सोचो, जैसे हवाई जहाज है तो प्लेन पे जो लोग भी चढ़े हैं जानते हो प्लेन पहले स्कूटर की तरह घूमता है, स्कूटर की तरह घूमता है, आराम से चलता है मोटरसाइकिल की तरह, और फिर जाता है वो रनवे पर, रनवे पर भी थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें अचानक से ऐसा महसूस होता है कि अब प्लेन में धुआंधार रफ्तार आ गई, और वैसी स्पीड के साथ 15 से 20 सेकंड तक ही प्लेन सिर्फ जमीन पर रहता है और फिर ऊपर उड़ जाता है। जो प्लेन पर चढ़े वो जानते हैं कि पहले वो किसी दूसरी जगह खड़ा होता है जहां पे हम जाके उसमें चढ़ते हैं बस वगैरह के थ्रू, ठीक है, वो एयरलाइंस का ही बस होता है जो आपको फाइनली एंट्री, जहां पे आप जिस गेट से आपकी एंट्री है वहां से आपको बस के थ्रू ले जाया जाता है। हवाई जहाज कहीं खड़ा है उस पे आप लोग चढ़ गए, ठीक है, उसके बाद हवाई जहाज आराम से मोटरसाइकिल की तरह घूमते घूमते रनवे पर आता है, रनवे पर थोड़ी दूर थोड़ी देर तक चलता है, और उसके बाद अचानक से आपको महसूस होता है कि उसमें, ठीक है, एकदम चमत्कारी गति आ गई 15 से 20 सेकंड तक, मतलब बस 15-20 सेकंड, नॉट मोर देन दैट, एकदम धुआंधार गति, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से प्लेन उड़ता हुआ आपको महसूस होता है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म कि जो हवाई जहाज की तरह वो चल रहा है हल्का फुल्का, तो वो सिंपल सा एक ऑक्सिलियरी यूनिट है जिसके द्वारा वो मोटरसाइकिल की तरह घूमता हुआ जब रनवे पे आता है
और जब इसका टर्बोजेट इंजन शुरू होता है तब वो गति धुआंधार वाली है जो आप महसूस करते हो, जो 15 से 20 सेकंड तक मैक्सिमम, ठीक है, 15 से 20 सेकंड तक मैक्सिमम होता है और उसके बाद प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, जब ये टर्बोजेट इंजन शुरू होता है। समझ में आ रही है बात? नाउ सी, तो अब कुछ एग्जाम सेशन पे आते हैं। एग्जाम सेशन में मुझे आप लोग कुछ क्वेश्चन से मैं फटाफट पूछ रहा हूं, एकदम जबरदस्त तरीके से बताना, ठीक है। सबसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में, रैम टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, ट्रू और फॉल्स? पहला क्वेश्चन, सबसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में, सर बता दो टाइम टेबल, मल्टी टैलेंटेड गर्ल, पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हें मल्टी टैलेंटेड एमटीजी कहता हूं मैं, चलो नाम नहीं बताओ, तुम्हारा नाम रहेगा एमटीजी। एमटीजी ये क्लास 8 बजे होती है, बाकी करंट अफेयर्स के बहुत सारे सेशंस होते हैं, तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब पहले क्वेश्चन का जवाब दो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बाद में मैं दिखाऊंगा एंड में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां से बाद सारी क्लासेस की अपडेट्स तुम्हें मिलती रहेंगी, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो अनअकैडमी के ऐप पर हो, चाहे वो स्पेशल क्लास हो, चाहे वो प्लस क्लास हो, सब कुछ वहां से पता चलता रहेगा, ज्वाइन कर लेना। ट्रू 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 ट्रू, इतना बहुमत तो भारत के संसद में भी देखने को नहीं मिलता यार, आज बड़ी तकलीफ हो गई, एकदम सही बात है। देखो ये सब क्वेश्चन जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दे रहे हो, यकीन मानना, ठीक है, इन क्वेश्चंस का जवाब तुम्हारे पास आज तक नहीं था, एकदम ट्रू है, और आज जब जवाब दे रहे हो ना तो फील ग्रेट अबाउट इट, बिकॉज यू आर डायरेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, जो पढ़ के सिर्फ पहले सिर में दर्द होता था, ठीक है। सब बोलो एकदम, वीडियो को लाइक वाइक कर देते हो ना यार, देखो करंट अफेयर्स। अच्छा एक बात मुझे बता दो, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन तो पूछ लिया, ठीक है, ट्रू है, एकदम सही है सबका, एकदम जबरदस्त सही है, ठीक है, एकदम सही है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, जो करंट अफेयर्स के छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इसका मकसद है कि आपको अपडेट रखना, ये चीज़ें इन करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोग रहते क्यों नहीं हो? नहीं प्रवीण, बाद में पूछ लेना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे मतलब क्या लगता है ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है या क्या होता है? मतलब मैं देखता नहीं हूं तो मुझे दुख होता है, बिकॉज ये सेगमेंट्स अगर आप करके तो देखो 10-15 दिन, जैसे कल भी मैंने रखा हुआ है, मैं अभी बताता हूं, ठीक है, आज 23 मार्च है, शहीद दिवस, भगत सिंह को फांसी वगैरह पड़ी थी ना, तो भगत सिंह का नाम जब भी लेते हैं तो गांधी और भगत की एक कॉन्ट्रोवर्सी की चर्चा होती है, जिस पर कुछ भी उल्टा पुल्टा अखोर बखोर सब बोलते रहते हैं। कल इस पे एक सेगमेंट हम भी रखे, आप आइए उस क्लास में, ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी जी पकड़े गए हैं, तो हमें राजनीतिक खबरों से तो कोई मतलब नहीं है, हम भी जानते हैं कि भाई ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की कहानी है, इसमें ये धरा पकड़ी, चोर नुक्का छिप्पी, ये सब होता रहेगा, कभी केजरीवाल पे, कभी राहुल गांधी पे, उन न्यूजों उन खबरों से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब है कि क्या राहुल गांधी के उस अरेस्ट और फिर बेल के पीछे, ठीक है, जो लीगल प्रोविजन है, जो हमारा संविधान है, या उससे जुड़े हुए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो उन क्लासेस में आइएगा, ठीक है, पूर्वी कोई बात नहीं, एग्जाम है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन क्लासेस में आप लोग रहिएगा, कल भी 2 सेशन हैं, आप लोग रहते हो तो थोड़ा ना शरीर का खून बढ़ता है और ज्यादा काम करने का मन करता है, नहीं रहते हो तो फिर इंकरेजिंग मोटिवेटिंग नहीं लगता है, ठीक है। टाइम का पता नहीं होता तो यार हसीना क्या यार, तुम लोग इतना यार, चैनल जिस चैनल पे क्लास, वहाँ सब्सक्राइब कर लो ना उसे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक कर दोगी तो जब भी कोई इवेंट होगा तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा ना। और टेलीग्राम चैनल तुमने ज्वाइन नहीं किया है क्या? यार तुम लोग ये मतलब जब अज्ञानता देखने को मिलती है ना तो बड़ा गुस्सा आता है यार, टेलीग्राम चैनल कहाँ गया मेरा? सुनो अभी देखो, जिन लोगों ने प्लीज जाकर टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन करो भाई, मतलब सीरियसली आई फील डिसअपॉइंटेड जब ऐसी बात की नोटिफिकेशन, सर देखो जाके ज्वाइन करो, ये स्टडी विद अभिषेक _ अनअकैडमी टेलीग्राम पे सर्च करो, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? तुमने ये समस्या सुन के ना फिर दुख होता है,
कि भाई सर पता नहीं चल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि मतलब ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। जो भी किया जा रहा है आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है, और आप ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत दिनों बाद रेज करते हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है और कुछ नहीं। ठीक है सर, मैंने आधा किया है और आधा नहीं, तो प्रवीण तुम करते रहो आधा आधा। चलो सब लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, नवसी सारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, जिस चैनल पे क्लासेस देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो, तो सारी नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। चले आओ, जैम सेशन को डिस्टर्ब कर दिया, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आओ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मोस 2 जो है ये एक ब्रह्मोस 2 स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ट्रू और फॉल्स। यही सब क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बनते हैं। देखो यार दिव्या बता दो यार, प्लीज बता दो, ये टेलीग्राम चैनल बता दो, नहीं तो पता नहीं कैसे पता नहीं चल रहा। अभी तो मैं बहुत स्लाइड पीछे करना पड़ रहा है ना बताने के लिए। देखो दिव्या ने बता दिया है सबको टेलीग्राम चैनल में, स्टडी भी था अभिषेक अंडरस्कोर, टेलीग्राम में सर्च करना मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना कृपया करके। सर लेक्चर 1 कौन सा है? देखिए MTG मुझे नहीं पता, तुम यू आर डिस्टर्बिंग मी नाउ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, मेरे से ही पूछ लो। लेक्चर 1 पे L1 लिखा हुआ है, ट्रू 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 ट्रू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये सब क्वेश्चन का जवाब देते हुए मजा आ रहा है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, रैमजेट और स्क्रैमजेट, क्वेश्चन नंबर 3, रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज अ टर्बोजेट इंजन ऑल्सो। रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूजेस अ टर्बोजेट इंजन ऑल्सो, ट्रू और फॉल्स। जल्दी मजा आ गया, अभी रोहित रुको, अभी मजा को ना और बढ़ाते हैं। सुनो यही सब क्वेश्चन बनाना जिस दिन सीख जाओगे ना, IAS बन जाओगे। ठीक है जल्दी बताओ, रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूजेस अ टर्बोजेट इंजन ऑल्सो, ट्रू। सर अभी हो पाएगी, ऑप्शनल क्लास है अभी है, रुको पूर्वी रुको, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी यार, तब सबकी तकलीफ का मैं क्या करूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब सो मच, राइट, लिसन, ट्रू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा ट्रू, वेरी नाइस। ये दिव्या है ना, ये ट्रू के साथ ये हर अपने स्टेट, इसका एक ना मास्क कोड है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि हमने कभी थोड़े दिनों पहले जब दो महीने का मेरा ब्रेक था ना, तो उससे पहले तो प्लस वाली जो ग्रुप थी हमारी टेलीग्राम वाली, अभी भी है, तो उसमें कुछ नामकरण हुआ करता था, तो इसका नाम स्ट्रॉबेरी रखा गया था, तो इसने अपना मैस्कॉट बना लिया इसे, मतलब इसके हर मैसेज के बाद बेसिकली देखो स्ट्रॉबेरी। तो चाहो तो आप सब लोग अपना अपना एक मैस्कॉट बना सकते हो, कोई रैमजेट, यार रोहित तुम ना अपने नाम के सामने आज के बाद लिखना, ठीक है, सुमित सर का स्टूडेंट रोहित RJ, सब समझेंगे रेडियो जॉकी है, लेकिन नहीं, सुमित के साथ रोहित के सामने जो RJ है इसका मतलब है रैमजेट रोहित, कोई SJ लिख देना, सब बोलेंगे स्टूडियो जॉकी है, अरे नहीं स्टूडियो जॉकी नहीं है, स्क्रैमजेट है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आओ, स्क्रैमजेट इंजन्स कैन बी आइसोलेटेड, पहले सुनना क्वेश्चन, स्क्रैमजेट इंजन कैन बी फंक्शनल इन आइसोलेटेड मैनर ऑल्सो, ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना, ठीक है। जो स्क्रैमजेट इंजन है, ठीक है, वो स्वयं से काम करने का सबकी क्षमता रखता है। स्क्रैमजेट इंजन कैन बी फंक्शनल इन आइसोलेटेड मैनर ऑल्सो, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ। हाँ बोल रहा हूं रोहित, स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, अकेले स्वयं कार्यात्मक क्षमता रखता है, मतलब स्वयं ये कार्य करने की क्षमता रखता है, इसी के इसमें किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत नहीं है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू,
राकेश फॉल्स, ये कौन है? रेशा के एम, ट्रू। अच्छा फॉल्स, हो गए गुम हो गए सब सब सब, फॉल्स 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 फॉल्स। तो रेशा रेशा या रेशमा पता नहीं, रेशा एकदम सही है। ट्रू कैसे बोल दिया देवी? रामजेट साहब चीख चीख के मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे पंखी होती नहीं है, देखो यहाँ पे पंखी है नहीं तो यहाँ पे हवा एंटर करेगा कैसे? यहाँ पे हवा एंटर कराने के लिए इस इक्विपमेंट को ऑलरेडी एक गति देनी पड़ेगी बहुत जबरदस्त पहले आपको, वो गति देने के लिए चाहे वो रैमजेट हो या स्क्रैमजेट हो, इसे एक टर्बोजेट का सहयोग चाहिए। उस समय से मैं बता रहा हूँ, यस फॉल्स है, नहीं एक आंसर मैंने किसी का ट्रू देखा है। देखो रोमिला का जवाब भी ट्रू है, ऐसा थप्पड़ लगेगा ना होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, उस समय से सीख सीख के मैं कह रहा हूं कि आइदर इट इज रैम जेट और स्क्रैम जेट, इसमें पहले टर्बोजेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पे पंखा है नहीं। यहां पे जो ये बड़ा बड़ा पंखा आप देख रहे हो ना, यहां पे ये चीज है नहीं रैम जेट या स्क्रैम जेट में। तो ये चीज अगर नहीं हुआ तो हवा एंटर करेगा कैसे? ये पंखी ही है जो हवा को सक करता है। तो इस विमान, इसको ऑलरेडी आपको एक जबरदस्त गति देनी पड़ेगी पहले से, तब जाके इसमें हवा घुसेगा और तब जाके वो हंगामा होगा। ठीक है, सो ये बात मैं उसी समय से बता रहा था कि चाहे वो रैमजेट हो या स्क्रैमजेट हो, यहां पे पंखी नहीं होने का मतलब है कि ठीक है टर्बोजेट पहले उस इक्विपमेंट में, जैसे मिसाइल अगर है, यहां पे मैंने बताया था ना ये ब्रह्मोस वाली बात कि ब्रह्मोस अगर तुम यहां पे देख रहे हो तो ब्रह्मोस को देखो। ब्रह्मोस में बेसिकली हो क्या रहे, यहां पे यू हैव बेसिकली अ रैमजेट इंजन या स्क्रैमजेट इंजन और यहां पे एक टर्बोजेट इंजन होता है। टर्बोजेट इंजन ऑन होता है, मिसाइल आगे उड़ता है, जब एक जबरदस्त गति में आ जाता है तब यहां का स्क्रैमजेट इंजन इसको और धुआंधार बना देता है और हाइपरसोनिक बना देता है। समझ रहे हो? ठीक है, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसको होपफुली गलत मत ही देना तुम लोग जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वेलोसिटी की बात करें, अगर वेलोसिटी की बात करें, गति की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो जो टर्बोजेट इंजन है इससे ज्यादा गति टर्बोजेट इंजन से ज्यादा गति रैमजेट की होती है और इससे भी ज्यादा गति स्क्रैमजेट की होती है। ट्रू और फॉल्स? मतलब टर्बोजेट वेलोसिटी की बात करें, अगर गति की बात करें तो टर्बोजेट से ज्यादा गति रैमजेट की होती है और रैमजेट से ज्यादा गति स्क्रैमजेट की होती है। मतलब पी जे इससे ज्यादा गति रैमजेट की और इससे ज्यादा गति स्क्रैमजेट की। ट्रू और फॉल्स? ये देखिए राकेश, राकेश क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई हाइपरसोनिक फॉल्स हो गया? ये थप्पड़ खाओ ना होश ठिकाने आ जाएंगे। अगर तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी सही पढ़ा है तो एकदम सही बात है भाई। तो स्क्रैम जेट में तो यहां पे और ज्यादा संकीर्ण सब कुछ हो गया ना, हवा यहां पे इतना जबरदस्त गति से इधर निकलेगा, ऊपर से कंबसन, ये जगह जो है यहां पे बहुत कम है। यहां पे देखो जहां कंबसन हो रहा है यहां पे थोड़ा वैसे भी जगह है, तो स्क्रैम जेट की गति ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होगी। राकेश कौन सी दुनिया में हो भाई, क्या कर क्या रहे हो? रैम जेट और स्क्रैम जेट को याद रखने के लिए सिर्फ एक बात याद रखना पड़ेगा, ये क्षेत्र ये बड़ा है। यहां पे देखो मामला कितना संकीर्ण है, यहां से जो हवा अंदर सक होगा वो इधर ज्यादा खतरनाक गति से निकलने की कोशिश करेगा। यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, लेकिन टर्बोजेट में वो काम पंखी के द्वारा होगा, घूमते हुए पंखे के द्वारा। रैमजेट में पंखा नहीं है तो इसे टर्बोजेट जो गति देगा उसके द्वारा होगा, और यहां भी स्क्रैमजेट में भी वही काम होगा, लेकिन स्क्रैमजेट में ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां से निकलने वाली हवा को कंबशन के बाद और धुआंधार बना देगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, तो एकदम सही बात है। टर्बोजेट से ज्यादा गति उस मिसाइल की होगी जिसमें रैमजेट लगा होगा और रैमजेट से ज्यादा गति उस मिसाइल की होगी जिसके स्क्रैमजेट लगा होगा। ठीक है, सो अब यहां पे जो स्लाइड आपने देखा, ठीक है, ये ब्रह्मोस 2 के बारे में, अब देखो हाँ, ये जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्क्रैम जेट, अब ये बात क्लियर है, हाइपरसोनिक मिसाइल एकदम बात क्लियर है,
सारी कहानी जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूं कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ये टर्म्स पहले ऐसे ही सारा कॉपी पर बना लोगे आप लोग ये फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, पहले तो ये वर्ड्स हो गए, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या तो ये टर्बोजेट का इंजन का उपयोग कर सकता है, या तो ये रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है, या तो ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। और हमेशा आप इन दोनों को रिलेट करके याद रखोगे कि कौन सा सबसोनिक है तो वो टर्बोजेट होगा, ट्रांसोनिक है तो वो टर्बोजेट टेक्नोलॉजी होगी, सुपरसोनिक है तो वो डेफिनेटली रैमजेट होगा या फिर स्क्रैमजेट होगा, लेकिन हाइपरसोनिक है तो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ और सिर्फ स्क्रैमजेट होगा। ये इस तरीके से कनेक्ट करना है क्योंकि बहुत सारे, ठीक है, क्वेश्चंस इस पे आते हैं और यही वो स्टेटमेंट्स होते हैं। हसीना, थैंक यू सर, ये ठीक से समझ नहीं आया था पहले, अभी समझ में आ गया ना, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे ही बना लेना जैसे मैं बता रहा हूं यहां पे, ये फ्लो चार्ट हमेशा क्वेश्चंस इसी पे आते ही हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पूछ देगा कि ब्रह्मोस क्या है, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपसे पूछ देगा कि ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस 2 क्या है, तो अब आप बता सकते हो। अगर लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है तो ब्रह्मोस हाइपरसोनिक है, खुद ही सोचो। अगर मैंने पूछ दिया कि ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस 2, तो ब्रह्मोस 2 अगर याद है तुम्हें हाइपरसोनिक है, तो तुम ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, यस और नो, खुद ही बता सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आ रही बात, अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है निर्भया के बारे में, अगर स्टेटमेंट में यहां पे मान लो कि निर्भय के बारे में लिखा हुआ है कि एक सबसोनिक मिसाइल है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सबसोनिक है, सबसोनिक है, तो आगे का स्टेटमेंट तुम खुद बना लोगे कि डेफिनेटली वो टर्बोजेट प्रोपल्सन थ्योरी पे काम करेगा, वो टर्बोजेट मैकेनिज्म पे काम करेगा। समझ में आ रही बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर, हाइपरसोनिक से भी न्यू वर्जन आ सकता है ना सर? क्यों नहीं आ सकता है रोहित? ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आएगा तो देखेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड है। और यहां पे ये फ्लो चार्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए, एक चीज बची रह जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक इंजन्स। ये इंजन्स क्या है, ठीक है, ये अभी हम ये बस एक चीज ये बची रह जाती है अभी, ये हम करेंगे नहीं, अभी ये नेक्स्ट क्लास की बात है। अब भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल्स के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव है, पहल है, इसको भी लाइन बाय लाइन जो मैंने लिखा है ना, लिख लेना। पहली बात तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो गति होती है मैक 5 से ऊपर होती है, तो कल से हम देखते आ रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ये नाम याद रखना है, बूस्ट ग्लाइड, बूस्ट ग्लाइड, ठीक है, एंड स्क्रैमजेट्स, ठीक है, बूस्ट ग्लाइड या स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट के बारे में आपको पता है, बूस्ट ग्लाइड भी लगभग वही चीज है, मतलब हर हाइपरसोनिक, हर रैमजेट या फिर स्क्रैमजेट बूस्ट ग्लाइड होता ही है, बूस्ट ग्लाइड मिसाइल ही होता है। इसमें बूस्ट ग्लाइड का मतलब पता है क्या है कि भाई तुम उसे पहले एक निश्चित गति दो, उसके बाद वो अपनी एक्चुअल गति में आएगा। कहने का मतलब कि एक निश्चित गति देने के लिए पहले टर्बोजेट लगाओ, और जब वो गति टर्बोजेट दे देगा उसके बाद वो और धुआंधार बनेगा। सो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बूस्ट ग्लाइड टेक्नोलॉजी। तो चाहे वो रैमजेट हो चाहे वो स्क्रैमजेट हो, दोनों बूस्ट ग्लाइड टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। ये वर्ड एज इट इज अपने दिमाग में लिख लेना, बूस्ट ग्लाइड, बस अंग्रेजी का खतरनाक शब्द है, बाकी तुम्हें पता है कि नाम से ही पता है कि क्या है, बूस्ट ग्लाइड। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन मैकेनिज्म तुम्हें पता है, इंडिया इज इंटरेस्टेड इन स्क्रैमजेट प्रोपल्सन। क्या इंटरेस्टेड, क्या आप याद रखना, ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो स्क्रैमजेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी को ही यूज करता है, ठीक है। स्क्रैमजेट व्हीकल दैट कैन क्रूज अप टू मैक 5, 32 इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग ब्रह्मोस 2। ये बन चुका है और 2025 से सर्विस में भी आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया,
ठीक है, 2025 से ये सर्विस में भी आ जाएगा, तभी मैंने आपको बता दिया, राइट। सो दिस इज लाइक, इसमें क्रायोजेनिक इंजन बचा हुआ रह जाता है, ये क्रायोजेनिक इंजन बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन को बताऊंगा अभी नहीं, ठीक है। क्रायोजेनिक, इसमें बेसिकली फ्यूल को बहुत लो टेम्परेचर पे रखते हैं, फ्यूल को वेरी लो टेम्परेचर पे रखते हैं, और उसमें, ठीक है, लो टेम्परेचर फ्यूल को कंबसन करा के फिर प्रोपल्सन जनरेट करते हैं, बताऊंगा मैं क्रायोजेनिक में। लेकिन टर्बो इंजन, देखो एक बात मैं बताता हूं, पहले तो क्रायोजेनिक का थोड़ा सा मैं एक उदाहरण सॉर्ट ऑफ मैं आपको दे देता हूं, कि जैसे क्रायोजेनिक में, जैसे क्रायोजेनिक है एक तरफ, क्रायोजेनिक इंजन ये भी कुछ नहीं इंजन है, और एक तरफ आपका टर्बो इंजन। ये चार्ट मेरे साथ बना लेना, एक तरफ क्रायोजेनिक इंजन, ये हाँ ठीक है, एक तरफ क्रायोजेनिक इंजन, एक तरफ टर्बो इंजन, ठीक है। नाउ लिसन, क्रायोजेनिक इंजन में बेसिकली क्या होता है कि आप फ्यूल को बहुत लो टेम्परेचर पे, अभी बना लो, लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हो, ठीक है, और उसका कंबशन करवाते हो, उसे जलाते हो, ठीक है, और जलाने के बाद बेसिकली आप अपना प्रोपल्सन जनरेट करते हो। प्रोपल्सन मतलब वही गति, ठीक है, उस तेल को जलाकर। टर्बो इंजन जो बेसिकली तीन प्रकार के हो सकते हैं, चाहे तो टर्बो जेट, चाहे तो रैम जेट, चाहे वो स्क्रैम जेट, इनमें फ्यूल की जरूरत नहीं है, सॉरी क्या कहते हैं, नहीं फ्यूल की जरूरत नहीं इसमें। बेसिकली ये फ्यूल आप रख रहे हो ना, मतलब कंबसन के लिए जो ऑक्सीडाइजर है, उसकी जरूरत यहां पे नहीं है, उसकी जरूरत यहां पे नहीं है। आप यहां पे डायरेक्टली हवा को लेते हो, हवा को लेते हो और हवा से ही फ्यूल को जलाते हो, ठीक है, और क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है तो हवा से ही, और कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हवा से आप फ्यूल को जलाते हो और उसी से अपना काम करते हो। यहां पे ईंधन को ऑक्सीडाइजर के साथ जलाना होता है, कंबशन जो है ना, यहां पे एक फ्यूल तो होगा ही और ऑक्सीडाइजर यूज किया जाएगा, देखो कंबशन ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता है, तो ये जो ऑक्सीडाइजर है ना, उसको बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, ऐसे इसमें हवा की जरूरत नहीं होती। देखो एग्जाम्पल में वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्रायोजेनिक इंजन में हवा की जरूरत नहीं होती, नो एयर इनटेक इज रिक्वायर्ड। तो एयर इनटेक जब, तो फिर कंबसन होगा कैसे? कंबसन कैसे होगा कि एक ईंधन है, इस ईंधन में एक ऑक्सीडाइजर आप रखोगे, ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन के बिना कंबसन, और इसको जलाओगे और जला के प्रोपल्सन क्रिएट करोगे। स्क्रैम जेट हो या फिर टर्बो जेट हो या फिर रैम जेट हो, इसमें आपको ऑक्सीडाइजर की जरूरत है नहीं। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सिर्फ आप फ्यूल रखो और उस फ्यूल को हवा के साथ जलाओ, हवा के साथ जलाओ, तो होगा क्या कि जो भी इक्विपमेंट इस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा उसमें एक उसका पेलोड बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑक्सीडाइजर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उस पेलोड की जगह बेसिकली आप और ज्यादा, ठीक है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस रख सकते हो। तो क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली वही होता है, इसे बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। क्रायोजेनिक में ये जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है, उसको बहुत लो, ऑक्सीडाइजर को बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे आप जानते हो कि भाई गैसेस को या लिक्विड्स को आप कॉम्पैक्ट करके बहुत कम वॉल्यूम में रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस क्रायोजेनिक, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्रायोजेनिक ये अब मतलब ये समझ लो कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी मतलब बहुत टॉप नॉच नहीं, ये पुरानी कहानी हो गई है। क्रायोजेनिक इंजन में बेसिकली वही बात है ना, कि देखो तेल तो दोनों को ढोना है, तेल तो इसको भी ढोना है, तेल तो इसको भी देना है, लेकिन यहां पे तेल के साथ साथ आपको ऑक्सीडाइजर भी ढोना है। तो ऑक्सीडाइजर को ढोने के क्रम में बेसिकली आप अपना वजन बढ़ा लेते हो। स्क्रैम जेट इंजन में सिर्फ तेल चाहिए, वो बाकी का जुगाड़ वो जलाने का ऑक्सीजन से ही कर लेता है, तो अच्छा खासा इसका जो वजन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से इसका पेलोड बढ़ जाता है। पेलोड मतलब इस पे आप, ठीक है, दो चार एटम बम और लाद दो, समझ में आ रही है बात। तो क्रायोजेनिक इंजन इसी को कहते हैं। क्रायो का मतलब होता है, क्रायो का मतलब होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, जो यहां पे ऑक्सीडाइजर्स वगैरह रखते हैं ना, बहुत लो टेम्परेचर पे रखते हैं, इवन फ्यूल के भी बहुत लो टेम्परेचर पे रखते हैं, ताकि लो टेम्परेचर पे रखने का मतलब बस इतना होता है कि वॉल्यूम कम से कम ऑक्यूपाई हो,
ठीक है, ताकि बल्कि ना बने मिसाइल वगैरह, ठीक है, इंजन, ठीक है। तो क्रायोजेनिक के बारे में आपको एकदम फंक्शनैलिटी बताऊंगा, मोर और लेस डिफरेंस यही है। सो कुल मिला के मिसाइल टेक्नोलॉजी की सारे जो जो मिसाइल से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सब मैंने आपको बताया। इंडिया डू हैव दिस बेसिकली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड इंडिया हैज सक्सेसफुली वर्कड टिल दिस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ब्रह्मोस 2 is the biggest example of this scramjet technology and the hypersonic missiles presently in the India, ठीक है? So एक बार मेरे को बताओ, cryogenic वाली बात अगर समझ में नहीं आई ना, परेशान मत होना, cryogenic में फिर से आप लोग को बताऊंगा कल, ठीक है, थोड़ा सा example के साथ बताऊंगा। बट हाँ, सारे examples मैंने आपको, जब missile technology की आप बात करते हो ना, तो इसमें जो ये चार technology यूज हो सकती है, चाहे वो cryogenic हो, और उसके बाद जो jet technology है, जेट टेक्नोलॉजी को तीन भागों में आप तोड़ सकते हो, टर्बोजेट, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट, ठीक है। भारत की जो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें ये सबसे बड़े फाउंडेशन के रूप में ये टेक्नोलॉजीज को आप याद रख सकते हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग क्वेश्चंस, अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो एक बार मेरे को बता दो सोच के, ठीक है, कि अभी क्लियर है, क्योंकि अब क्लास खत्म करते हैं, मैं भी थक गया हूँ, ठीक है, और सर की भी क्लास का टाइम हो गया है, कितना लंबा पढ़ोगे, और वो करंट अफेयर्स वाली सेशन में तुम लोग आया करो भाई, कल गांधी और भगत सिंह की चर्चा करेंगे। कभी कभी कोई, जैसे आज वो फ्रांस वाला जो सेशन था वो शुरू ही नहीं हो पाया, अब दो बार मैंने कोशिश की, दोनों बार कुछ ना कुछ ग्लिच आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, और वीडियो वगैरह को लाइक करना, हाँ हाँ माँ दिव्या जाओ, ठीक है, जाओ वीडियो को लाइक करना, कमेंट वगैरह लिखना, और जरूर बताना कि ये क्लासेस तुम्हें कैसी लग रही है, यार तुम लोग कितने स्वार्थी इंसान हो, ठीक है। जो ये ऑफर है अनअकैडमी पे, इसका फायदा जरूर उठाइएगा, मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन आज टेलीग्राम पे इसका लिंक वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। जबरदस्त ऑफर है, 40% चल रहा है, 3-3 सालों का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, नहीं 25 तारीख तक ही है, तो 25 के आज तो 23 ही है, ठीक है, मतलब 3 सालों का सब्सक्रिप्शन भी 70,000 के आसपास हो जा रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज ईएमआई पर आपको 2,000 भी पे करना नहीं पड़ रहा है, इट्स एन एब्सोल्यूट, इट्स एन अमेजिंग ऑफर। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको इस यात्रा में मेरी मेंटरिंग चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका गूगल बनूं, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ता है, दैट इज AR101, किसी प्रकार की दिक्कत हो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछो। जब क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करके आप ईएमआई लेते हो, या बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू ईएमआई लेते हो, ये जब ईएमआई पे आप लेते हो तो 1920 रुपये भी नहीं पड़ रहा अभी महीने का, ठीक है, तो आपको अनअकैडमी की वजह से 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई मिलता है। सो ऐसे ऑफर्स को, ठीक है, क्या कह रहे हो अयांस सर? जी सर प्लीज कमेंट, क्या कमेंट सर? क्या गुरुकुल की क्लास स्टार्ट नहीं होगी? बिल्कुल अयांस बाबू, बिल्कुल शुरू होगी भाई, गुरुकुल भी, लेकिन तब तक ये तो करो, गुरुकुल तो होना ही होना है, ठीक है। सो 0% ईएमआई पे है। किसी भी तरीके का कोई अगर आप लोग को हेल्प चाहिए हो ना, ठीक है, इस पे कि सर मैं आपका कोड यूज करना चाहता हूँ, आप मेरे आपकी पर्सनल मेंटरिंग चाहिए, तो टेलीग्राम पे मैसेज करो। बार बार मैं कहता हूँ कि आपका टेलीग्राम पे होना जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका गूगल बाबा बनूं, ठीक है, मतलब वही कि भाई आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आओगे ना, तो क्या करना है, कैसे करना है सर, ये बहुत जरूरी चीजें होती है, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन धरा का धरा रह जाता है। तो ये काम भी अगर आप लोग चाहते हो तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। और कहानी को आगे बढ़ाते हैं फिर कल की क्लास में, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि करंट अफेयर्स के उस सेशन में जरूर आया कीजिए जो हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज आपका आना इज लाइक दिल धड़काना, समझ रहे हो। चलो चलो जाओ खाओ और सर की क्लासेस करो। अब मिलूंगा मैं आपसे कल पहले 12 बजे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि राहुल गांधी वाला जो ये मुद्दा है उसमें हमारा संविधान और कानून क्या कहता है, और 3 बजे जरा भगत सिंह और महात्मा गांधी की जो महान एक यूनिवर्सल कॉन्ट्रोवर्सी इस देश में चलती है उसके पीछे की तहकीकात करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।